स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 12C, इन विच वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड द लेटरल एरिया ऑफ द क्यूब एंड द क्यूबॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द क्यूब एंड द क्यूबॉइड। एक देखो हमारे पास है क्यूब एंड द अनदर थिंग इज क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब में हर एक साइड, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल। हर एक साइड क्यूब की क्या होती है? इक्वल। ये भी थ्री डायमेंशनल होता है, ये भी थ्री डायमेंशनल होता है। एवरी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल, बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल। इसमें क्या होता है? डिफरेंट हो सकती है, होती हैं, हो क्या सकती है। देखो मे बी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। इफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल देन इट बिकम्स क्यूब। बट इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ और वी कैन से दैट इज नॉट इक्वल टू हाइट देन इट इज क्यूबॉइड। और मे बी एल इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू एच देन इट इज अ क्यूबॉइड। एल इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच देन इट इज अ क्यूबॉइड। कहने की बात ये है, अगर तीनों इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो वो क्यूब बनेगा। उनमें से अगर एक भी अलग आ जाती है, एक भी अलग आ जाती है, तो वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है तो भी क्यूबॉइड। अगर लेंथ ब्रेथ के इक्वल है, लेंथ एंड ब्रेथ आर बोथ इक्वल बट इज नॉट इक्वल टू हाइट, मीन्स हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हाइट अलग है, मतलब एक भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो वो क्यूबॉइड बनेगा, तीनों इक्वल आ रही है तो वो क्यूब बनेगा। इज इट क्लियर? अब क्यूब है, क्यूब हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, तो क्यूब की जो साइड हो जाती है वो कितनी हो जाती है? दैट इज सिक्स। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a² वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। अगर ए कोई भी क्यूब है उसकी मैं साइड मान लू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्यूब की साइड। ये भी कितना हो जाएगा? ये भी तो साइड है ए, ये कितनी हो जाएगी? ए। क्यों हो जाएगी ए? बिकॉज ऑल द डायमेंशंस ऑफ द क्यूब आर इक्वल। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a². सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a². बट इफ लेटरल सरफेस एरिया, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब इज 4a². अब देखो मैं आपको इनके डिफरेंस बताती हूं, व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। अगर वो बात करता है सरफेस एरिया की, If he is talking about surface area of cube, it means surface area complete area, ठीक है? Complete area. अगर हमारा हम जिस रूम में बैठे हैं, आप भी जहां स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रूम, अगर आप रूम में बैठे हैं तो उसकी फोर तो वॉल्स होंगी, चार दीवार होंगी, एक उसका रूफ होगा दैट इज सीलिंग होगी, छत होगी, और एक उसका क्या होगा? फ्लोर होगा, नीचे फर्श होगा। तो कितनी साइड्स होगी? सिक्स साइड्स, चार दीवार हो गई, फोर वॉल्स, वन इज द सीलिंग एंड द लास्ट वन इज फ्लोर दैट इज फर्श। ठीक है, तो सिक्स साइड्स होगी। जब वो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम क्या फॉर्मूला लेंगे? 6a². बट अगर वो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इट मीन्स वो एरिया ऑफ ओनली फोर साइड्स की बात कर रहा है, सिर्फ फोर वॉल्स की बात कर रहा है। इफ वी आर टेकिंग रूम एज अ एग्जाम्पल फॉर दिस केस, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4a², इसमें जो फ्लोर होता है एंड द सीलिंग इज निग्लेक्ट, इसमें वो छत और हम फर्श नहीं कंसिडर करते। क्लियर हो गए दोनों फॉर्मूले क्यूब के? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये अच्छे से समझ लो, अगर इतने कंसेप्ट क्लियर आ गए तो आपको बहुत इजी एक्सरसाइज लगेगी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। इट मींस l रिप्रेजेंट्स द लेंथ,
बी रिप्रेजेंट्स द हाइट एंड एच रिप्रेजेंट्स एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ बी रिप्रेजेंट द ब्रेथ एंड एच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. नाउ वी कैन टेक टू कॉमन LB plus BH plus HL. This is the total surface area of the cuboid. Total surface area of the cuboid. ये cuboid का formula हो जाएगा. Cube की बात करें तो उसमें length, breadth और height अलग अलग होती है, तो इसका formula क्या हो गया, 2LB plus BH plus HL. Similarly, as in case of cube, there is a lateral surface area also. So lateral surface area of cuboid. Lateral surface area cuboid का कितना हो जाएगा, 2L plus B into H. क्या हो जाएगा, 2L plus B. देखो ये जो 2 है ये इसके ब्रैकेट के बाहर है. अगर मैं इसको ओपन करूं, 2L H ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, LH plus BH यही होगा. 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2LH plus 2BH यही होगा ना. अब देखो ये कैसे आया, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है मतलब आपका जो रूम है एक क्यूब की तरह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम जिस रूम में बैठे हैं, जो कोई भी रूम है वो आपका क्यूब की तरह नहीं है. क्यूब की तरह नहीं है मतलब हो सकता है कोई एक वॉल जो ज्यादा लेंथ की हो और एक वॉल कम लेंथ की हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो मान लो अगर हमारे पास जो ये वाली लेंथ है, ये कोई भी रूम है हमारे पास, इसका कोई एक सीलिंग है, इसका कोई फ्लोर है, दिस इज अ रूम. इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी रूम की, ऑब्वियस ही बात है, टेढ़ा मेढ़ा तो रूम बनाएंगे ही नहीं. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल नहीं बन गया, ये तो रेक्टेंगल बन गया. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, देन इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा लेंथ इनटू ब्रेथ. अब हमारे पास ऐसी ऐसी है ना, देखो अब हम उस किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रूफ और फ्लोर की बात नहीं कर रहे इन केस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया. तो हम क्या लेंगे, 2LH मतलब लेंथ कितनी होगी इसकी, दो लेंथ है, एक इसकी हाइट भी होगी, है तो ये रूम, ये टू डायमेंशनल में पेज पे नहीं बन सकता, इसलिए आप थोड़ा सा इसको 3D में सोचने की ट्राई करो. अगर हमारे पास 6 साइड्स हैं तो किस किस की मल्टीप्लीकेशन होगी, लेंथ की और हाइट की, ब्रेथ की और हाइट की. एक और जो हमारे पास रह गया, क्या रह गया हमारे पास, LH हो गया, BH हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेंथ और ब्रेथ का, क्योंकि हमने क्या कर दिया, फ्लोर को और रूफ को निग्लेक्ट कर दिया, इसलिए हम ये दो वैल्यूज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हमारे पास जो क्यूबॉइड होता है, हम अगर रूम की भी बात करें उसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं. अब आप देखो अगर 6 साइड्स होती हैं तो एक तो होगा ऊपर वाली जो छत है उस वो भी रेक्टेंगल बनेगा, LB हो गया, नीचे वाले जो फ्लोर है वो भी रेक्टेंगल बनेगा, LB हो गया, दो तो ये होगी. तो LB प्लस LB, क्या मैं ये नहीं लिख सकती 2LB, तो वही लिखा है 2LB. अब हमारे पास जो सामने वाले साइड्स हैं वो ब्रेथ और हाइट होगी, तो ऐसे ही 2 आ जाएगा, एक इसका है तो रेक्टेंगल, इसका क्या आ जाएगा, हाइट और लेंथ आ जाएगा. तो ऐसे हमारे पास अगर मैं इसको सबको ओपन करूं 6 साइड्स बनती हैं. तो इतना बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हुआ. सिंपल सी बात है, हमें क्या याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया आ जाए या टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 6A square. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4A square. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसमें दो साइड निग्लेक्ट हो जाएंगी, 2L प्लस बी इंटू एच. बस ये 4 फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी. इज इट क्लियर. अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. अब हम फर्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है एंड लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब.
ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर्स। उसने यहां नहीं लिखा बट उसने जनरली लिख दिया कि सारी की सारी लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में है। ये आपको क्या लग रहा है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है तीनों क्या है, 10 10 10। इफ ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल ऑफ एनी फिगर देन इट बिकम्स क्यूब, क्योंकि तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कंप्लीट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों फॉर्मूले आपको याद है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a² फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a इज द साइड ऑफ द क्यूब, a के प्लेस पे 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 600 cm². क्लियर। उसके बाद उसने लेटरल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² 4 into a दैट इज साइड ऑफ द क्यूब 10 square, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10, स्क्वायर कैसे करेंगे 10 इंटू 10, तो 100, 100 इंटू 4 दैट इज 400 cm². दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आ गया, फिगर को देख के पता लगना चाहिए ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, वी गेट द आंसर। और एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सो पुट हियर 2 दैट इज द स्क्वायर ऑफ यूनिट। Now this is the length, this is the breadth and this is the height. All the dimensions of this figure are different. तो ये क्या हो जाएगा, cuboid. You know the surface area and the lateral surface area of cuboid. Formula लगाएंगे, values put करेंगे, answer आ जाएगा. Surface area of cuboid. Surface area of cuboid कितना होता है, 2lb plus bh plus hl. ये होता है length. Length कितनी है 10. Breadth कितनी है 6. Height कितनी है 4. तो 10 into 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी 6 प्लस 6 करके बैठ जाओ, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 60, 6 4 जा 24, 10 इंटू 4 40। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले इनको प्लस करेंगे, प्लस किया तो 124, मल्टीप्लाई दिस 2 विद 124, वी गेट द आंसर 248 cm², बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया निकालना है तो स्क्वेयर आएगा। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2l प्लस b इंटू h, लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 6 एंड द हाइट इज 4। According to board mass rule, first of all, add this both two terms, 10 plus 6, 16. Now, it all the values, these all values are in multiplication. Now, it's your wish, you have to multiply 16 by 2 first, or you can multiply 2 into 4 or 16 into 4. 2 into 16 into 4, we get the answer 128 cm². 128 cm². Next, let's move on. See part 333. Length is 3, breadth is 3, height is 3. All dimensions of this figure is 3. That is, all dimensions of this figure are equal. It becomes cube. ये क्या है? Cube ही तो है जिसके सारे sides क्या है? Equal है. अगर इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो इसके लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 into a² व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, दैट इज 3, 3 3 जा 9, पहले आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 3 जा 9 इंटू 6 दैट इज 54 cm². इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a², a की वैल्यू 3, 3 square 9, 4 into 9 दैट इज 36 cm². आप कंप्लीट स्टेप्स लिखेंगे, अगर इसके अंदर स्टेप्स मिस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, बट यू हैव टू राइट दी ऑल दी स्टेप्स इन योर नोटबुक। डी पार्ट 15 15 12, तो ये क्या बनेगा डी पार्ट में, 15 15 12, मैंने आपको कहा था इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ क्यूब,
बट इफ वन साइड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर टू साइड्स देन इट बिकम्स अ क्यूबॉइड. अगर एक भी साइड बाकी दो साइड से डिफरेंट आ जाती है तो ये क्या है? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेट्स सी. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ. आप क्या कर सकते हो, पहले लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट द हाइट ऑफ दिस फिगर इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ दिस फिगर इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ दिस फिगर इज 15 सेंटीमीटर. आप पहले ऐसे मेंशन कर लो, देन पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व देम. अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू टर्म्स 15 इंटू 15. 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपको स्क्वेयर्स याद है, 15 का स्क्वेयर 15 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 225. 15 इंटू 12 इज 180. 12 इंटू 15 इज 180. प्लस करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. 2 इंटू 585. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 585 से, वी गेट द आंसर 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2. आप कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे यहां मेंशन हो या ना हो, ये यहां मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार मेंशन नहीं कर रखा. सारे फॉर्मूले से एक साथ, सारे क्वेश्चन से एक साथ कर रहे हैं. बट अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा ना. सारे क्वेश्चन तो आप देंगे नहीं कि चलो इसमें लिख दिया तो इसमें ना लिखें. आपको तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा. सो यू हैव टू राइट फॉर्मूला इन ईच क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. और एग्जाम्स में भी आपको पहले फॉर्मूला लिखना है. तो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 एल प्लस बी इंटू एच. पुट दिस वैल्यूज ऑफ एल एंड बी एंड एच हियर एंड सॉल्व इट. 2 इंटू 15 प्लस 15 वी गेट द आंसर 30 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 720 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी. 17 11 12 लेंथ इज 17 ब्रेथ इज 11 एंड द हाइट इज 12. क्या है ये? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड है ये. क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया यू नो वेरी वेल. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन एड. 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 523 इज इक्वल टू 1046 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 17 प्लस 11 दैट इज 28 इंटू 12 मल्टीप्लाई बोथ दिस, मल्टीप्लाई दिस थ्री टर्म्स वी गेट द आंसर 672 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 4.5 4.5 4.5. ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस फिगर आर इक्वल सो इट इज अ क्यूब. Lateral surface area and the surface area of cube we have to find. Surface area of cube is 6 into side square. 6 into side square. Side क्या है? 4.5. 4.5 को जब 4.5 से multiply करते हैं तो कैसे multiply करते हैं? 4.5 को 4.5 से multiply कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? Point भूल जाएंगे. Point भूल गए? पॉइंट क्या किया? पॉइंट भूल गए. जब इनको मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 5 4 20 21 22 4 5 20 4 4 16 17 18 ऐड किया, 2025 इतना आ गया. अब देखो 4.5 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करना था. पॉइंट के बाद कितना डिजिट? ओनली वन. हेयर इज ऑल्सो आफ्टर डेसिमल देर इज ओनली वन डिजिट. तो वन डिजिट प्लस वन डिजिट टू डिजिट. तो जो भी हमारा आंसर आया लास्ट से स्टार्ट कर दो, 1 2 यहां पॉइंट लगा दो. आंसर कितना आ गया? 20.25. इज इट क्लियर? और कैसे रीड करते हैं 20 पॉइंट आफ्टर डेसिमल? कैसे रीड करते हैं? सिंगल सिंगल डिजिट 20.25. तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20.25. 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब इज 4 इंटू साइड स्क्वेयर दैट इज 4.5, 4.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 4.5 का पहले स्क्वेयर निकाला 20.25, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर। होप्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके पता लग गया होगा क्या क्यूब होता है, क्या क्यूबॉइड होता है, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू देन वी कैन इजली डू द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आप तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन के। और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि 8th चैप्टर की वीडियो बनाइए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, जैसे ये नेक्स्ट वीक तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, संडे को भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है मैं इसके बाद 8th चैप्टर ही करवाऊंगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।